नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि समझ नहीं आता कि कहां अन्याय हो रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 5 दिन में ही समय मिल गया, जबकि राहुल गांधी से मुलाकात के लिए मैं 6 महीने से समय मांग रहा था मगर नहीं मिला। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ज्ञानवापी मामले को लेकर भी बड़ी बात कही है। आचार्य जी, एक वीडियो सामने आया था जिसमें राहुल गांधी जी ने कुत्ते को एक बिस्कुट खिलाया था, फिर उन्होंने उसके मालिक को दिया था। अब वो कहते हैं कि बीजेपी वाले जो है वो जुनून नहीं समझते हैं, तो किस तरह का जुनून होता है कि पहले कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं फिर उसके मालिक को दे देते हैं, तो क्या मानते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? कुत्ते को बिस्कुट खिलाना तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। राहुल गांधी जी के हाथ से लेकिन बाद में ये वाली बात कहना कि बीजेपी वाले जुनून नहीं समझते, कि जुनून से बिस्कुट खिला रहे थे। देखिए, राहुल जी बहुत ही ज्ञानी नेता है, उन्होंने जो कहा सोच समझ के कहा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करना राहुल जी का कर्तव्य भी है और उनका जन्म सिद्ध अधिकार भी है। राहुल जी को टारगेट करना भाजपा का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो चल रहा है, बहुत दिनों से चलता रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसमें उन्होंने न्योता दिया है अखिलेश यादव को, तो क्या अखिलेश यादव का वहां जाना बनता है या किस तरह से आप किस नजरिए से देखते हैं सर? इसका जवाब तो अखिलेश जी को देना है ना। अखिलेश यादव जी तो मध्य प्रदेश के चुनाव में कह रहे थे कांग्रेस और भाजपा एक है, कांग्रेस और भाजपा एक है तो फिर अखिलेश जी कांग्रेस के साथ क्यों? अखिलेश जी तो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस और भाजपा एक जैसे, कांग्रेस झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। लेकिन अब वो अगर यात्रा में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है, क्या देश में अन्याय हो रहा है जिसके खिलाफ न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है? तो न्याय यात्रा का मतलब है देश में अन्याय हो रहा है, इसको जस्टिफाइड करना बड़ा जरूरी है कि देश में कहां कहां अन्याय हो रहा है। उसमें अगला पूजा करने की जो चुनौती दी गई है कोर्ट में, अब वो 12 फरवरी की सुनवाई की बात सामने आई है, तो किस नजरिए से देखते हैं कि तारीख जो मिली है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए और हमें पूरा भरोसा है कि भारत की न्यायपालिका न्याय करेगी। अदालत के आदेश से ही श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो रहा है, हुआ, और अदालत के आदेश से ही श्री कल्कि धाम का निर्माण होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भगवान श्री कल्कि नारायण का जो मंदिर बन रहा है 19 फरवरी को, जिसकी आधारशिला महोदय के हाथ से रखी जाएगी उनके कर कमलों के द्वारा, तो न्यायपालिका पर हमें भरोसा होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग जो हैं सियासत और सत्ता के स्वार्थ में इतना अंधे हो गए कि वो भारत की न्यायपालिका पर उन्हें यकीन ही नहीं रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगा, मैंने नोट कराया था तो उनका तीसरे चौथे दिन पीएम हाउस से मुझे आ गया था। राहुल जी व्यस्त रहते हैं, पूरा 6-7 महीना तो यात्रा में रहे और फिर वो थोड़ा कम मिलते, उनका स्वभाव भी नहीं है ज़्यादा मिलना। मैं कांग्रेस में जितने बड़े नेता वो सबको 1 साल से नहीं मिला, कोई 2 साल से टाइम मांग रहा है, कोई 3 साल से मांग रहा है, 6 महीने से टाइम मांग रहा है, ये तो कोई समस्या नहीं है। अब राहुल जी के पास जब समय होगा तभी तो देंगे, हो सकता है उन्हें नहीं लगता हो कि समय की बर्बादी है इनसे मिलना, वो नहीं देते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, कभी यात्रा करते हैं तो व्यस्त रहते हैं, वो कोई विषय नहीं है। जो सच है मैंने वो बताया। आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन की जानकारी मिली है, तो क्या मानते हैं जो अखिलेश यादव से गठबंधन टूटकर और बीजेपी? चौधरी अजीत सिंह जी जब थे तो वो भी भाजपा के साथ कई बार रह चुके हैं, जयंत जी बीजेपी के साथ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं जयंत जी बताए, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। हर राजनीतिक व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, जयंत चौधरी जी को कुछ संभावनाएं नजर आ रही थी तो
बड़ी चर्चा चल रही है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, मेरी जयंत चौधरी से कोई बात नहीं, लेकिन जयंत चौधरी जी एक बहुत ही शालीन, सभ्य, सुसंस्कृत और बहुत ही समझदार नेता है। वो जो फैसला लेंगे अपनी पार्टी के हित को देखते हुए। आप मंदिर की स्थापना कर रहे हैं 19 तारीख को, जिसमें प्रधानमंत्री जी का भी आपने बताया, तो किन किन को इनवाइट किया यहाँ पर, और क्या दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट भी को भी न्योता दिया, और या वो भी आएंगे? श्री कल्की धाम में सभी आते हैं, सभी आएंगे। श्री कल्की धाम के मंदिर का जो शिलान्यास है उसके निमंत्रण सबको जा रहे हैं, कुछ को चले गए कुछ को जाएंगे, जिसकी श्रद्धा होगी वो आएगा, जिसकी श्रद्धा नहीं होगी वो नहीं आएगा। हमारा शिलान्यास समारोह के ऊपर कोई राजनीतिक बात नहीं करता। शिकल की भगवान सबके हैं, राम सबके हैं, भारत सबका है, शिकल की धाम सबका है, सबके सब आना चाहिए। जिसको अपने भविष्य को उज्जवल करना है, जिसको अपने अपनी गलतियों अपने पापों का प्रायश्चित करना है, जिसको अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, वो सब कल की धाम का दर्शन करें, क्योंकि कलयुग में कली काले कल की शरणा, जो कल की भगवान की शरण आएगा उसका उद्धार होना सुनिश्चित है, ऐसा पुराणों में लिखा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।